हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मैग्नेटिक एनालिसिस। वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो ऑल राइट गाइज, आज यहां पर हमारे गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी में यहां पे रॉक्स कर दिया। ये देखिए यहां पे कहीं और कहीं पे हम लोग ने यहां पे एंट्री लिया था। मैंने फ्री टेलीग्राम पे भी एंट्री लिया था गोल्डन क्रॉसओवर पे। ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री टेलीग्राम पे। ये देखिए मैंने 10:11 पे एक पुट दिया था, 46,000 का पुट, 440 पे बाय करने के लिए बोला था। और उसने देखिए 460, 485, 600, 800, 900, 1000 तक वो गया था। आई होप आपने यहाँ पे 100-200 पॉइंट तो आराम से बुक किया होगा, क्योंकि हमारे गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी का एग्जिट कैसे है मैंने आपको बताया। ये देखिए जब तक ये फॉल आते जाएगा आपको कभी भी एग्जिट नहीं करना है। जब तक ये रेड वाली कैंडल है उसके ऊपर, जब तक ये ग्रीन कैंडल जब क्लोज होगी तब भी आपको एग्जिट है। तो यहाँ कहीं पर आपको एग्जिट मिला है, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो 46,100 से लेके यहाँ पे 45,700, 200-300 पॉइंट गिरने के बाद में आपको ये फर्स्ट एग्जिट मिला है। और दूसरा एग्जिट आपको फिर वापस होल्ड करना है जब तक रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल, देखिए ये रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आपको वापस एग्जिट मिल गया। आपके पास अगर 2-3 लॉट रहेगा तो आप इसको इवनिंग तक भी होल्ड कर सकते थे। वापस एग्जिट यहाँ पे कहीं नहीं हुआ, यहाँ पे एग्जिट लास्ट को बाद में मिला है। तो आपको अगर परचेस करना रहेगा तो इसको परचेस कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। देखिए कल भी इसने छोटा सा ट्रेड दिया था यहाँ पे भी एक दिया था, प्रीवियस डे पे भी यहाँ पे दिया था, उसको बहुत होल्ड करना पड़ा। इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं रहेगा, लेकिन एसएल तो नहीं जा रहा ना भाई। यहाँ पे भी 2 ट्रेड बने, इस पर भी आप देख सकते हो 800 से लेके यहाँ पे 980, मतलब 50-60-70-80 पॉइंट मिला। यहाँ पे भी 100-150 पॉइंट मिला। यहाँ पे भी देख सकते हो पिछले दिन भी यहाँ पे भी ऊपर साइड में छोटी सी मूवमेंट मिला। एसएल तो नहीं जा रहा ना भाई, 100-150 पॉइंट मिलेगा तो भी बहुत है। और जब भी बैंक निफ्टी, मान लीजिए बैंक निफ्टी 40-50 पॉइंट्स का मूवमेंट कर देगा तो आपको 80% क्वांटिटी बुक करना ही है। मैं हमेशा यहाँ पे आपको बताते रहता हूँ कि 40% 80% बुक करने के बाद 20% को आप ट्रेल कर सकते हो। आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, उसके हिसाब से आप इसको होल्ड करोगे। कुछ लोगों ने होल्ड किया रहेगा तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट किया रहेगा। मैंने तो भाई 440 भी लिया था, उसको मैंने 1000 रुपये के आसपास में कभी मैंने लास्ट लॉस को सेल किया था। मैंने 5-6 लॉट को ऐसे डिवाइड करके ट्रेल ट्रेल करके यहाँ पे ट्रेडिंग किया था। तो देखिए अभी कल के लिए एनालिसिस क्या है हमारा, कल के लिए बैंक निफ्टी का कल 24 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी का व्यू अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए 45,000 का एक क्रूशल लेवल है, वहाँ पे आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। 45,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इसके आसपास में कहीं पे क्लोजिंग दिए। तो ये वाला जोन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी जोन में अगर मार्केट कहीं पे ओपन होकर नीचे के साइड में वापस एक बार 890 को 850 880 को यहाँ से ब्रेक कर देगा नीचे के साइड में, तो नीचे के साइड में और तेज मोमेंटम आ सकता है जो हमें लेके जा सकता है 44,470 के आसपास में। और उसके बाद में यहाँ पे वापस एक बार 44,000 का एक सपोर्ट है वहाँ तक, और उसके बाद में 43,750। तो देखना पड़ेगा मार्केट ओपनिंग कहाँ पे देगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ से मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, यहाँ से अगर ब्रेक करेगा ना तो ये कम से कम यहाँ पे 200-300 पॉइंट यहाँ तक तो आ ही लेगा। ठीक है, तो आप इसके ऊपर नज़र बना के रखिए। ऊपर के साइड में कोई मेरा व्यू नहीं, ऊपर के साइड में अगर मान लीजिए गैप अप मुझे यहाँ पे कहीं पे गैप अप मिलता है और इस वाली रेंज को अगर वापस ऊपर के साइड में ब्रेक करता है तो छोटा सा मूवमेंट अब यहाँ पे 100-200-300 पॉइंट का आ सकता है। लेकिन वो मूवमेंट धीरे धीरे आएगा, मार्केट अभी ऊपर जाएगा तो वो बहुत बहुत धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है ना तो बहुत तेज गिरता है और ऊपर जाता है तो धीरे धीरे जाता है। तो आपको ऊपर के साइड में व्यू थोड़ा कम रखना है। अगर मिलता है यहाँ से रेंज सब ब्रेकआउट तो छोटी सी मूवमेंट आएंगी, लेकिन क्यों आए मालूम है, अभी मार्केट इतना गिरा है तो यहाँ पे सेलर्स के कंट्रोल में, तो सेलर्स इसको वापस एक बार सेल करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ऊपर आ जाएगा फिर वापस उसको सेलर दबाएंगे, फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा तो वापस उसको सेलर उसको नीचे के साइड में दबाते रहेंगे। तो आपको ऊपर के साइड में थोड़ी क्वांटिटी कम रखनी है, नीचे के साइड में आप क्वांटिटी प्ले कर सकते हो, लेकिन बेस्ट सेटअप के बाद में ही कीजिए। अभी 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है और अभी प्रीवियस अभी आने वाले एक्सपायरी भी कल है बुधवार में, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आने वाली है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल रहे, ऊपर नीचे मार्केट हो सकता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कीजिए। आज जितना आपने यहाँ पे प्रॉफिट किया है उसमें से 10-20% का रिस्क लेके काम कीजिए। देखिए मार्केट में ऐसे दिन तो आते रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सेफली ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर ने पिछले दिन यहाँ पे छोटा सा ट्रेड दिया, यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेड दिया, यहाँ पे भी छोटी सी मूवमेंट एक नीचे के साइड में। ये तो ट्रेड लेना नहीं है, क्यों लेना नहीं, उसकी कुछ कंडीशन है, आपको परचेस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी छोटा सा मूवमेंट दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पर देखिए दिन भर आपको ट्रेड मिला ही नहीं, लेकिन इसको लेने के कुछ अलग तरीके तो वहाँ से मैंने वो आपको बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कुछ ट्रेड दिया नहीं, यहाँ पे रिटेस्ट एक दिया छोटा सा, फिर बाद में यहाँ पे क्रॉस हो रही है। इसी टाइम पे आपको छोटे छोटे एसएल भी हो जाएंगे तो लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे मूवमेंट्स रहेंगे वो लेके आपको शांत बैठने में, मार्केट कभी ना कभी आपको बड़ा मूवमेंट दे ही देगा।
और 100% में बोलता हूँ गोल्डन क्रॉसओवर आपको यहाँ पे हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में एक मूवमेंट तो बड़ा दे ही देगा। आप जाके प्रैक्टिस भी करके मैंने बहुत बार दिखाया है, मेरा टेलीग्राम पे भी आप जाके देख सकते हो, मेरा पीवीएस पिछला वीडियो भी आप देखोगे, छोटे छोटे मूवमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं साइडवेज मार्केट में। ये देखिए ये बड़ा मूवमेंट यहाँ पे मिला, तो ऐसे बड़े मूवमेंट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। ये देखिए ये वाला भी एक बड़ा मूवमेंट है, यहाँ से भी एक छोटा सा मूवमेंट नीचे के साइड में, यहाँ से भी ऊपर के साइड में। तो छोटे छोटे मूवमेंट्स में आप इसको इसके ऊपर आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, एक दो ट्रेड तीन ट्रेड आप लेके शांत बैठना पड़ेगा, ठीक है? आपका डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा। अगर एक ही ट्रेड आप लेके बैठोगे तो शांति से बैठोगे, कोई टेंशन नहीं, एक ही ट्रेड मिलेगा तो ले लो, कल लेना रहता तो ये ले लेते, बस एक ट्रेड है वो चांद बैठो, परसों लेते तो ये एक लेते, उसके पहले एक लेते तो ये एक लेते, तो एक ही ट्रेड लोगे तो भी चलेगा। आप सारे ट्रेड्स लोगे तो आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको परचेस करना रहेगा तो व्हाट्सएप के नीचे मैं नंबर दिया हूँ, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। तो ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।